हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हेल्दी लड्डू। तो चलिए फिर फटाफट हम इनसे बिल्कुल कम समय में बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी लेंगे। घी हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे बादाम 10 से 12 डालेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसे हम भून लेंगे। जैसे ही ये हल्का सा भुन जाएगा हम इसमें डालेंगे 10 से 12 काजू। इसे भी हमने उतना ही लिया है और इसे भी हम भून लेंगे। काजू और बादाम हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया है, यानी भुन गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसी पैन में डालेंगे किशमिश। किशमिश भी हम उतना ही लेंगे, थोड़ा सा, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसे भी हम भून लेंगे। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे और इसे भी हम गर्म कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच खरबूजे के बीज और इसे हम भी हम भून लेंगे। 3 चम्मच तिल लेंगे और इसे भी हम भून लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम भून लेते हैं और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। और ये देखिए, हमने ड्राई फ्रूट्स हमने सभी को भून लिया है। अब हम बादाम और काजू को कूट लेंगे, यानी उसे थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। और किशमिश को भी हम चाकू से छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लेंगे। इस तरीके से हमारी किशमिश भी तैयार, और इधर हमने काजू और बादाम को भी हमने कूट के तैयार कर लिया है। अब हम इस बॉल के अंदर डालेंगे जो खरबूजे का बीज हमने भून रखा है, उसे भी डाल देंगे और तिल को भी डाल देते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम लेंगे एक प्लेट और इसके अंदर लेंगे हम चॉकलेट बिस्किट। 2 पैकेट हमने लिया है चॉकलेट बिस्किट। आप चाहे तो किसी भी तरीके का चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। अब हम चॉकलेट बिस्किट को छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे तोड़ लेंगे। अब हम लेंगे एक जार और जार के अंदर बिस्किट को हम डाल देंगे और इसके ऊपर लगा लेंगे हम कैप। और इसे हम अच्छे से पीसेंगे, बिल्कुल बारीक हम पीसेंगे इसे। और ये देखिए, मैंने पीस लिया है इसे। इस तरीके से हम पीस कर इसे तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ये बारीक हमने पीसा है इसे। अब हम इसे उसी बॉल में निकाल लेते हैं जिस बॉल में हमने ड्राई फ्रूट्स रख रखे हैं, उसके अंदर हम इसे निकाल लेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे, अगर आप इसके अंदर घी नहीं डालते हैं तब भी हमारे लड्डू जो है बहुत ही अच्छे बनेंगे। और इस इन सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। मलाई हम डालेंगे इसके अंदर 2 चम्मच। मलाई की जगह पे आप सिर्फ दूध भी इसके अंदर डाल सकते हैं, दूध से भी बहुत ही अच्छा बनेगा। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच हम और इसके अंदर मलाई डालेंगे, यानी टोटल हम इसके अंदर हमने डाला है 3 चम्मच मलाई। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही ईजी तरीके से ये हमारा डो जो है बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके बना लेते हैं लड्डू। अब हम डो में से लेंगे थोड़ा सा। आप लड्डू अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटा या बड़ा, आप किसी भी साइज के इसके लड्डू बना सकते हैं। और इस तरीके से हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और यह देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू जो है बनकर तैयार हैं। सभी लड्डुओं को हमने इसी तरीके से बनाकर हमने तैयार कर लिया है। लड्डू हमारे बहुत ही अच्छे बने हैं और बिल्कुल हेल्दी बने हैं। आप चाहें तो इसे कभी भी बना सकते हैं। बिल्कुल कम समय और कम सामानों के साथ आप इसे बना सकते हैं। बच्चों को एक लड्डू खिलाइए और उन्हें हेल्दी बनाइए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स खाते नहीं हैं, तो इस तरीके से आप बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। बच्चे या बड़े दोनों को ही पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।